नमस्कार। चलिए आज हम मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे। मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनते हैं रेस्टोरेंट में, आज वही टिप्स आप लोगों के साथ हम फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। उसी तरह से आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया बनता है। ये मशरूम है, मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने कट करके पानी में रख दिया, जिससे जितना इसका स्टार्च है वो सारे निकल जाएंगे। ये मैंने 3 प्याज 3 टमाटर लहसुन अदरक और मिर्ची कट करके मैंने रख लिया। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया, तेल हमारा गर्म हो गया। सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे। प्याज को हम इसलिए सबसे पहले डाल रहे हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम टमाटर और बाकी के लहसुन प्याज है, वो लहसुन है, हरी मिर्च है, वो डालेंगे। पहले इसी को हम पका लेते हैं प्याज को, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। और उसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें अदरक और हरी मिर्च जो लहसुन को डाल दिया है, इसको भी हल्का हम भून लेते हैं जिससे इसका भी कच्चापन निकल जाए। एक दो मिनट के लिए इसको भी भून लिया है। और इधर देखिए मशरूम का अच्छे से तरीके से सारा स्टार निकल गया। इसके कट कर रखे हुए मुझे 2 मिनट हो चुका है। अब इसको हम पानी से हम निकाल लेते हैं, इस तरह से पुश कर करके, जिससे जो भी पानी है इसका बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए नीचे गंदा पानी आ गया है, जो भी इसका स्टार था मशरूम का वो सब आ चुका है। इस पानी को हम फेंक देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। और देखिए अच्छी तरह से सारे मशरूम को मैंने धो लिया है, वॉश हो गया। अब इसमें मैंने 3 टमाटर कट करके रखा था, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालकर ढक्कन लगाकर हम छोड़ देते हैं। आपको दिखाया नहीं था, इसमें मैंने 1 कप के लगभग पानी इसमें डाला था। अब मैंने अच्छी तरीके से टमाटर और प्याज को मैंने पका लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिससे पीसने में भी ईजी हो और कच्चापन सारा निकल जाए। तो इसमें मिक्सी में डालकर मैंने पीस लिया, प्यूट बना लिया है मैंने। और इसमें सरसों तेल डाला है, जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च डाल दिया है। और इसको हम इसमें अब प्यूट को भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो भी जार में लगा था वो भी मैं इसमें धोकर मैंने डाल दिया, क्योंकि वो उसमें भी तो मसाला लगा था तो वो जाएगा कहाँ, तो इस वजह से मैंने उसको भी इसके अंदर डाल दिया मैंने अब धोकर। इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, ये देखिए कश्मीरी में लाल मिर्च लिया है। आप सोचेंगे पता नहीं क्या डाली है, कौन सा मिर्च है, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, इसका कलर आएगा बढ़िया। और इसको हम अच्छी तरह से पहले पका लेते हैं, जब तक ये सूख ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, जैसे तेल में से तेल ना छोड़ने लगे। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच के लगभग मैं हल्दी डाल दिया है। और अच्छे से हम इसको पका लेते हैं, बीच बीच में हम लगातार चलाते जाएंगे इसी तरीके से और मसाला डालते जाएंगे। अब इसमें मैंने मटर डाल दिया है, वहाँ अगर वो बाज़ार वाले जो आते हैं ना काफ़ी दिनों के रखे हुए, वो अगर है टमाटर तो उसको मटर तो उसको बॉयल करके तब आप डालिएगा। ये तो अभी नेचुरल बाज़ारों में मिल रहा है ताज़ा मटर, वही मटर है, तो इसलिए मैंने मसाले में डाल दिया जिससे जल्दी पककर तैयार हो जाए। इसको बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मसाला हमारा सारा पक चुका है लगभग, अब इसको लगातार चलाते जाएंगे, नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई के तले में जल जाएगा, इसीलिए हम लगातार हम चलाते जा रहे हैं। और बीच बीच में हम ढक ढक भी दे रहे थे, जिससे जब तक मसाले में से तेल ना छोड़े तब तक मसाला को हम पकाते रहेंगे, जिसमें से और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है और इसको हम लगातार तभी भी चलाया जा रहा है जिससे और मसाला बढ़िया पक जाए। तो देखिए तेल हल्का हल्का छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब है मसाला हमारा पक गया और कलर भी चेंज हो गया है, इसके सारे पानी भी सूख चुके हैं। अब इसके अंदर हम मशरूम डालते हैं, मशरूम डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेके देखिए, जिससे सारे एक दूसरे से मिक्स है। मशरूम बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई आदमी देखते हैं मशरूम को तेल में फ्राई कर देते हैं, कई आदमी देखते हैं बॉयल कर देते हैं, लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब है, क्योंकि इतना ही में ये सब्ज़ी पक कर मशरूम तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। सारे चीज़ों को मैंने एक बराबर डाला है, 1-1 चम्मच भर भर के। और नमक तो मैंने इसमें डाल ही चुकी हूँ नमक, और इसमें सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से पानी डाल देती हूँ। मुझे पतला ग्रेवी पसंद नहीं है, मैं गाढ़ा ही ग्रेवी रखती हूँ। आपको कितना परिवार है, कितने क्वांटिटी से बनाना है, वो आप अपने अनुसार से ग्रेवी डाल सकते हैं। तो मैं लटपटी सब्जी तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाइएगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, जिससे मशरूम हमारी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। तो इसको मैंने 2-3 मिनट तक इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए लगभग मशरूम की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, मैं उतार दे रही हूँ और चलिए सब करते हैं। तो आप इसी तरह मशरूम की सब्ज़ी बनाइए और खाइए।
और बिल्कुल रेस्टोरेंट के जो सब्जियां होती है वैसी तरह बनी है, तब बनाइए एक बार ज़रूर और खाइए। और मेरे चैनल पर आप बनाए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए कि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास